नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे चैनल अच्छा घर होम प्लान में। आज का प्लान पूरा वास्तु के अनुरूप लेके आए हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, 17x36 फीट का प्लाट है हमारा और कॉर्नर का प्लॉट है, कैसे संभव होगा कि वास्तु अनुरूप हम घर बना के एक खुशहाल जीवन जी सके, क्योंकि वास्तु का जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले देखिए, उत्तर दिशा में मुख्य रोड थी उनके, आगे से जो चौड़ाई है वो प्लाट की, वो मात्र यहाँ से लेकर यहाँ तक 17 फीट है। इस चीज का ध्यान रखें, हर एक छोटी छोटी बात आप ध्यान से समझिए ताकि आप घर बनाते समय गलती ना करें। 17 फीट आगे से चौड़ाई है, सेम 17 फीट प्लाट की पीछे से चौड़ाई है, ठीक है। 36 फीट इस तरफ लंबाई है और 36 फीट इस तरफ लंबाई है। प्लाट की मुख्य खास बात यह कि प्लाट आपकी पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा दोनों तरफ रोड जा रही है। कॉर्नर का प्लॉट ऐसे रोड जा रही है, आप समझ रहे हैं, रोड है वो ऐसे जा रही है, कॉर्नर का प्लॉट है। और इस साइड में पूर्व दिशा में अदर प्रॉपर्टी है, दूसरों के मकान है, और पीछे दक्षिण में भी दूसरों के मकान है, अदर प्रॉपर्टी है। काफी लोगों के ऐसे प्लॉट होंगे, या तो वो 17 फीट, 15, 16, 17, 18, क्यों, मोस्टली सिटीज में या लोगों के पास छोटे प्लॉट ज्यादा होते हैं। तो घर बनाने में हर इंसान चाहता है वास्तु के अनुरूप घर बनाए, मगर बनाए कैसे, छोटे प्लॉट में काफी परेशानी रहती है। तो सबसे पहले देखिए, मुख्य द्वार उत्तर मुखी घर है, तो मुख्य द्वार हमने ईशान कॉर्नर में दे दिया, पूर्व दिशा और ये आपकी उत्तर दिशा है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये उत्तर दिशा का घर है, इसलिए उत्तर दिशा फ्रंट में आएगी, पूर्व दिशा इधर आएगी। तो इन दोनों के कॉर्नर को कहते हैं ईशान कॉर्नर। तो यहाँ पर आपका मुख्य द्वार दिया गया है। तो मुख्य द्वार से जैसे आप अंदर प्रवेश करेंगे, तो मुख्य द्वार के बाहर हमने सीढ़ियां दे दी है, क्योंकि घर के अंदर हमने इतनी कोई बड़ी पार्किंग नहीं रखी है कि आपको बिना सीढ़ी आप सीधी स्लाइडिंग देके या घर के अंदर गाड़ी पार्क करनी है। हमने सीढ़ी रखी है, सीढ़ी रख के यहाँ पर हमने मुख्य द्वार दे दिया घर का। फिर अंदर प्रवेश करेंगे, 5 फीट की लंबाई, 5.5 फीट की चौड़ाई में बाइक खड़ी करने की जगह रहेगी, इतनी पार्किंग रहेगी। और उसके बाद में हमने बाहर बैठने के लिए बरामदा दे दिया, 5.5x5.5 फीट का बरामदा दिया है, जो सुंदर भी लगेगा। और एक आपके घर का एक ऐसा कॉर्नर होना चाहिए जहां पर आप कुछ समय शांति से बैठ सके। तो यहाँ पर आपका सिट आउट दिया गया है, बरामदा दिया गया है। बरामदे से जैसे ही अंदर प्रवेश करेंगे, यहाँ पर घर का अंदर का मुख्य द्वार लगेगा। कौन सा लगेगा, घर के अंदर का मुख्य द्वार लगेगा, जिसको हम कहते हैं चौघट। तो इस चीज का ध्यान रखना है, जैसे आप अंदर प्रवेश करेंगे, ये आपका हॉल एरिया हो गया, यानी 11.5 फीट की ऐसे लंबाई रहेगी हॉल की, काफी स्पेसफुल हॉल है। और ये पूजा घर, यहाँ पर आपको कॉर्नर में पूजा घर बनाना है, यथास्थान ईशान कॉर्नर में ही, आंगन का जो ईशान कॉर्नर पड़ता है वहीं पर आपको पूजा घर का निर्माण करना है, ताकि आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे, पूजा पाठ का आपको जो भी फल हो वो जल्दी प्राप्त हो। तो यहाँ पर आपका हॉल हो गया, ये ब्रह्म स्थान है, वैसे भी आपको खाली रखना चाहिए, कोई भी भारी चीज या यहाँ पर कोई खड्डा, कोई सेफ्टी टैंक, बोरवेल आंगन के बीच में कभी नहीं करना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हैं आप बीमार ना हो, आपके जीवन में खुशहाली रहे, आपको किसी भी तरह की मानसिक आर्थिक परेशानी ना हो वास्तु के कारण, तो उस चीज को फॉलो करके ही घर का निर्माण करें। फिर आप इधर प्रवेश करेंगे, ये क्या आ गया, ये आपके आ गया है अग्नि कॉर्नर, दक्षिण का और पूर्व का कॉर्नर है। अग्नि कॉर्नर इस साइड में अदर प्रॉपर्टी हमने बताया था, पीछे भी अदर प्रॉपर्टी है, दोनों तरफ दूसरों ही लोगों के मकान है, अदर प्रॉपर्टी है। तो किचन हमारा इस कॉर्नर में आएगा, तो हम किचन का वेंटिलेशन कैसे करेंगे, मुख्य बात ये रहती है। तो इसके लिए देखिए, पीछे की तरफ हमने 3x5.5 फीट का स्पेस छोड़ा है, ये और जाल लगेगा, जाली लग जाएगी छत के ऊपर, आराम से आपका प्रकाश आएगा नीचे तक और अच्छा वेंटिलेशन रहेगा। ये किचन है 5.5x7.5 फीट में, अच्छा किचन बन जाएगा, स्पेसफुली किचन रहेगा, पीछे वेंटिलेशन हो जाएगा, तो आपके लिए सुविधाजनक रहेगा। बर्तन वगैरह धोने के लिए इस साइड का एरिया का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सामने जो एरिया रहेगा, इधर का जो एरिया हमने डार्क कर रखा है कलर में, इसको आपको इग्नोर करना है, इधर आपको बर्तन नहीं धोने, ये अग्नि कॉर्नर है, और इस साइड में आपको आप बर्तन वगैरह धो सकते हैं। तो ये आप देखिए, ये किचन हो गया। उसके बाद में हॉल से आप इधर प्रवेश करेंगे, 10x11 फीट का कमरा है, एक विंडो हमने इधर दी है, पीछे की तरफ जैसा कि हमने आपको बताया था अदर प्रॉपर्टी है। जैसे आप बाहर आएंगे रूम से, तो इधर हमने कॉमन लेटरिन बाथरूम दे दिया, 4.5x5.2 इंच का लेट बाथ है, पीछे की तरफ वेंटिलेशन है, और हाथ धोने के लिए वाश बेसन यहाँ पर बाहर दिया गया। अगर आप वाश बेसन साथ में कवर करना चाहते हैं, तो आपके लेट बाथ का साइज बढ़ जाएगा और यहाँ तक दीवार आ जाएगी, वाश बेसन अंदर आ जाएगा, तो साइज भी बढ़ जाएगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, सुविधाजनक रहेगा। प्लान समझते हुए एक चीज का विशेष ध्यान रखें, नक्शा वास्तु के अनुरूप ही बनवाइए। अगर आप वास्तु अनुरूप नक्शा हमारे द्वारा बनवाना चाहते हैं, तो पर्सनल वर्क चार्जेबल होता है, फीस लेके वर्क किया जाता है,
उसमें आपका पूरा 2D का वर्क होता है, एलिवेशन और इंटीरियर जो भी आप वर्क करवाना चाहते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग। जरूरी नहीं बहुत ज़्यादा आप वर्क करवाएं, अगर आप नक्शा भी अगर वास्तु अनुरूप बनवाना चाहते हैं या अपने बने बनाए नक्शे को चेक करवाना चाहते हैं तो भी हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए आगे चलते हैं, आपके हॉल से आप इधर प्रवेश करेंगे, आपकी 6.5 फीट में हमने सीढ़ियाँ दे दी है। फिर आप इधर प्रवेश करेंगे, फ्रंट में एक रूम है, रूम की एक विंडो पश्चिम की रोड पर खुल रही है, एक विंडो आगे की रोड पर खुल रही है। फ्रंट का रूम है, काफ़ी सुविधाजनक रहेगा, यहाँ पर हमने मुख्य द्वार दिया है। आप चाहें तो यहाँ पर एक मुख्य द्वार और दे सकते हैं इसका रूम का, अगर कोई गेस्ट आए डायरेक्ट इधर से एंटर हो सकता है और ये आपका हॉल के अंदर अटैच रहेगा। हमने सिर्फ एक द्वार दिया है ताकि ये सेफ्टी पर्पज से ठीक रहे, छोटा घर है ज़्यादा द्वार देने से सेफ्टी पर्पज नहीं रहता है, तो यहाँ पर उस हिसाब से हमने वर्क किया है। 10x10.5 का रूम रहेगा। बाहर की तरफ हमने विंडो स्पेस का यूज करते हुए विंडो का जो आगे की डिजाइन है वो ये दी है, और विंडो आपकी यहाँ लग जाएगी और ग्रिल आपकी ऐसे लग जाएगी तो घर सुंदर लगेगा। ग्राउंड फ्लोर है, छोटा घर बनेगा तो मगर बहुत सुंदर और प्यारा घर बनेगा। वास्तु का हमेशा ध्यान रखें और इस चीज़ को फॉलो करके चले, अपने हिसाब से पायलट बन के कभी भी घर का निर्माण ना करें। अच्छे वास्तुशास्त्री जो भी आपके नज़दीक हैं उनसे भी आप सलाह जरूर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।